हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेकर तंजल फिटनेस। तो गाइस, नई दिन नई शुरुआत, फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। गाइस, टुडे इज माय कॉलर डे। आज हमारा जो वर्कआउट होगा शोल्डर कॉलर का वर्कआउट होगा, मोस्टली फोकस हम शोल्डर के कॉलर मसल्स पे करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आइए वार्म अप शुरू करते हैं, वार्म अप कंप्लीट करके देन अपना सेट को स्टार्ट अप करेंगे। तो फर्स्ट वर्कआउट रहेगा गाइज, वो रहेगा हमारा डंबल फ्रंट प्रेस। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। स्लोली उठाना है यहाँ पे एक सेकंड के लिए होल्ड एंड देन स्लो डाउन। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा सेट रहेगा कॉलर वर्कआउट का, वो रहेगा बारबेल अपराइट रेज। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। हैंड का जो ग्रिप रहेगा गाइस, वो काफी क्लोज रहेगा और इसे इस तरह से परफॉर्म करें। अब करें जो एल्बो है वो हल्का सा बैंड रहेंगे, तिरछा इस तरह से हमें खोलना है एंड स्लो डाउन। मैं इसे नीचे करते हुए अपने कॉलर को फोकस करना है, स्ट्रेच करना है। अप होल्ड स्लो डाउन, अप होल्ड स्लो डाउन। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट रहेगा कॉलर के लिए, वो रहेगा गाइस हमारा स्मिथ मशीन में केबल फ्रंट प्रेस। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। ऊपर की तरफ लाए, होल्ड एंड स्लोली रिलीज, अप होल्ड रिलीज। तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो रहेगा सुपर सेट रहेगा गाइस, डंबल लैटरल विद फ्रंट प्रेस। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। इसे विदाउट बेस्ट हमें दोनों ही सेट को कंप्लीट करना होगा। बिना रेस्ट किए हमें तुरंत लगाना होगा गाइस फ्रंट प्रेस। तो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट वर्कआउट रहेगा बारबेल रॉड स्ट्रक्स, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। शोल्डर से थोड़ा सा वाइड ग्रिप हमें अपना रखना होगा, देन इस तरह से इसको हमें परफॉर्म करना है। अप होल्ड एंड देन स्लो डाउन, हमें उसके ऊपर की तरफ ले जाना है, यहाँ पे लॉक करना है एक सेकंड के लिए एंड स्लो डाउन।
तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा शोल्डर कॉलर का वर्कआउट कंप्लीट होता है गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक केयर तंजिल फिटनेस के साथ।